हेलो फ्रेंड्स, दोबारा हम हाजिर हैं उसी पुराने चैनल नथिंग इंटॉक्सिकेटेड पे नए नए फंक्शन के साथ। अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ये भाई इस भाई के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये बेचारा एक्स जो है वो दब रहा है। अब हमने एक्स देखें, एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर है, यानी ये फंक्शन जो है वो इनडिपेंडेंट, ये वेरिएबल जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर एक और इनडिपेंडेंट वेरिएबल चढ़ा हुआ है, तो इसको हमने उतारना है। ये बड़ा शो हुआ है, इसको हमें उतारना है। अब जब इसको उतारेंगे हम, तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे सम बेसिक लॉगरिथम। हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम। सही, वो लॉगरिथम हम यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं जैसे y इज इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। आप इसमें आप करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ लॉग ऑन बोथ साइड। सही है, आप नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप ये बात जानते हैं कि लॉग में, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि जो बेस होती है वो पीछे आ जाती है, सॉरी जो एक्सपोनेंट होता है वो पीछे आ जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये आपके पास, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हमारे पास कुछ फंक्शन एक किस्म का नजर आने लगा है। अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, सो हमने डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, तो हम इसको कहेंगे डी वाई बाय डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब इसको आप देखेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या है, वन ओवर y, नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव 1 ओवर y होता है इन टू डेरिवेटिव ऑफ बेस बिकॉज चेन रूल, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको ये वाला भी टर्म साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पे आ रहा है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इतना आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम देखें वन ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज वन ओवर एक्स, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज बेस इधर पावर, पावर पीछे एक पावर डिक्रीज 2x मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये एक्स इस एक एक्स से कैंसिल हमारे पास आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलें अब हम इस पार्ट को देखते हैं। देखें हमारे पास ये है वन ओवर वाई डेरिवेट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ तक आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब हम देखेंगे y उधर डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ताकि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। हाँ, तो ब्लैक से अब ये करते हैं हम इसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई होगा पूरे उसके साथ, फंक्शन के साथ, इक्वेशन के साथ। आई होप आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने देखा कि y किसके बराबर है। हमारे पास y यहाँ पर बराबर है x टू द पावर x स्क्वायर के, तो हम इसी वैल्यू को नोट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर इन टू एक्स प्लस 2x इन नेचुरल लॉग ऑफ x। आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड होगा। अब हम इसको कहेंगे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम पावर अंदर ले जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर x स्क्वायर इंटू x प्लस x टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ तक तो हमने सिंपल एल्जेब्रिक वो करा है, ये हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पर वैसे ही। अब हम इसको देखेंगे कि देखें व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो पावर्स ऐड कर लेंगे x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x टू द पावर x स्क्वायर 2x सॉरी 2x टू द पावर मल्टीप्लाई में इनके बीच में और नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हम ये जाने कि हमारे पास है,
तो हमारे पास हमने जब ये सारा सिंप्लीफाई किया तो हमने ये निकाला कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंट टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने इसमें बहुत से रूल्स वगैरह जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगरिथम की भी और डेरिवेटिव और एक्सपोनेंट की भी रूल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह हम और भी I hope you have a good one.